अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए करोला GLI का एक बेसिक सा वॉकराउंड लेके आया हूँ। ये गाड़ी आपको JDM ऑटो पाकिस्तान पे अवेलेबल होगी। इनकी तमाम डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी होगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि पहले वाली करोला जैसी ही है। इमोबिलाइजर की है जिसमें आपको लॉक अनलॉक ट्रंक रिलीज और पैनिक बटन दिया गया। गाड़ी में जो चेंजेस किए थे करोला ने, इसकी फ्रंट से बम्पर चेंज कर दिया था, हेडलाइट्स चेंज की थी, और ऑब्वियसली GLI है तो इसमें आपके पास व्हील कप्स आते हैं, अलॉय रिम्स नहीं आते। लाइट्स की बात की जाए तो जो पार्किंग फॉग लाइट्स है ना, वो टोयोटा ने इसमें आपके पास LED दे दी थी। बाकी हेलोजन बल्ब्स ही दिए जाते हैं। जो ग्रैंडी आते हैं उसमें आपके पास बाइजीनॉन प्रोजेक्टर सेटअप आता है LED हेडलाइट्स का। नीचे की बात की जाए तो फॉग लाइट्स दी गई हैं, ये इसमें आफ्टर मार्केट लाइट्स लगाई गई हैं। ये अब हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, किसी को अच्छी लगती है किसी को नहीं अच्छी लगती। बाकी ओवरऑल गाड़ी सेम ही है। इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, अलॉय रिम्स लगे हुए जो कि मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। 15 इंचेस के हैं, 195/65R15 टायर भी इसमें बड़े साइज़ का लगा हुआ है। तो गाड़ी में आपके पास कोई पैसिव एंट्री नहीं दी जाती, जो टॉप वेरिएंट है उसमें आता है। बैक पे लिप लगा हुआ है, ये भी आफ्टर मार्केट है करोला, और बैक टेल लाइट्स भी चेंज की थी इसकी। और नीचे की बात की जाए ये भी इसमें आफ्टर मार्केट रिफ्लेक्टर्स में लाइट लगी हुई है। बाकी बैक लाइट में आपके पास ये लावा लाइट LED और बाकी ये हेलोजन बल्ब्स ही दिए जाते हैं। इसमें आपके पास इस साइड पे करके इसका रिवर्सिंग कैमरा दिया गया है। बूट स्पेस इस गाड़ी की काफ़ी डिसेंट है, यहाँ से आप प्रेस करके रखेंगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। बूट में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है। और अब हम इसको बंद कर लेते हैं, अब बैक साइड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैक साइड की बात की जाए तो इसमें सीट्स भी अपग्रेडेड हैं, क्योंकि GLI में आपके पास फैब्रिक सीट्स आती हैं, ये इसमें आपके पास लेदर सीट्स दी गई हैं। टायर फ्लैट है, स्पेस गाड़ी में काफ़ी डिसेंट है। इसके अलावा बात कर ली जाए फ्रंट साइड की, तो फ्रंट पे आपके पास मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स दी जाती हैं। इस साइड पे इसके साइड व्यू मिरर के कंट्रोल्स, और गाड़ी को एक सेकेंड स्टार्ट कर लेता हूँ मैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और इसके अलावा बात की जाए इसमें 4-speed ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता है, स्टिल टोयोटा 4-speed पे ही है। देन इसके अलावा बात की जाए ये एंड्रॉयड पैनल आफ्टर मार्केट है। और मीटर की बात की जाए तो मीटर भी टोयोटा ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया था, इसके कलर्स वगैरह, और स्टेयरिंग भी चेंज किया था। इसमें आपके पास डुअल एयरबैग्स आते हैं। गर्मी में खड़े होकर ना गाड़ी की सीटें आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा गर्म है। इसी परफॉर्मेंस ठीक है, 12 वॉट आउटलेट। अब ये GLI 1300cc ऑटोमेटिक में है तो इस वजह से थोड़ी सी एक अंडर पावर गाड़ी होने वाली है। डैशबोर्ड भी चेंज किया था इसमें, आप देख सकते हैं राउंड एयर वेंट्स आते हैं, और ये डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है, वरना पहले आपके पास थोड़े डिफरेंट स्टाइल में आते थे और ये वाला डिज़ाइन इस तरह का नहीं था। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो आफ्टर मार्केट है, ब्राइट है और रिस्पॉन्सिव है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह दी गई है। देन एंड्रॉयड सिस्टम है जिसमें आपके पास YouTube वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। और सीट्स इसकी मुझे कंफर्टेबल लग रही है, वरना जो GLI की ओरिजिनल सीट्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होती हैं। देन एसी की परफॉर्मेंस जैसा पहले बता चुका हूँ अच्छी है। इस डोर की बात की जाए तो सॉफ्ट पैडिंग की गई है, पावर विंडोज़ कंट्रोल, नीचे बहुत बेहतरीन साइज इसमें आपके पास बॉटल होल्डर दिया गया। यहाँ पे फ़ोन होल्ड करने के लिए कोई स्पेस नहीं दी गई। करोला में जब भी मैं बैठता हूँ तो मुझे इस चीज़ का होता है, लाइक सिटी में आपके पास जो डोर हैंडल्स होते हैं ना, ये लाइक ये वाली जगह, इनमें आपके पास फ़ोन होल्ड करने के लिए स्पेस दी जाती है जिसमें आप फ़ोन इजीली अपना रख सकते हैं ड्राइवर पैसेंजर साइड पे, और इसी तरह बैक साइड पे भी। इसमें आपके पास डोर पे फ़ोन रखने की जगह नहीं दी गई, यहीं पे आपको इसका फ़ोन रखना पड़ता है। ट्विन कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट की बात की जाए तो डिसेंट स्पेस है, मतलब सिटी से थोड़ा सा खुला आर्मरेस्ट है इस गाड़ी का। देन डमी बटन से साइड पे दिए गए हैं, साइड पे काफ़ी ज़्यादा डमी बटन दिए गए हैं। अब इसको रिवर्स में डाल के इसका व्यू देख लेते हैं। गाइडलाइंस दी गई हैं, व्यू काफ़ी ठीक है, मतलब कंसीडरिंग के एक आफ्टर मार्केट यूनिट है। इमोबिलाइजर इस गाड़ी में आ जाता है, हैजर्ड लाइट कंट्रोल्स, और पावर स्टेयरिंग है, ऑब्वियसली एडजस्टेबल है। यहाँ पे इसका ये लैच दिया गया है जिसको आप पुल करके तो स्टेयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील दिया गया है। सो वेल गाइस, ओ हाँ, लॉक भी दिया गया इसमें। वेल गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक सा रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। और ये गाड़ी आपको JDM कार्स पे अवेलेबल होगी, इनकी तमाम डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आपसे और हाँ एक और,
आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दैट्स इट, आपसे किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ मिलेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।